बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिलिया में क्लिनिक से अबाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर जो है वो क्लिनिक में माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर आती हैं और उनको यही गला होता है जी खाते कुछ नहीं, कमज़ोर रह गए हैं और ज़ाहिर है बहुत सारे और भी इशूज़ हैं रिलेटेड। तो एक तो ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा इस हवाले से बहुत अहमियत का अमल है और हर वक्त जब मोबाइल में घुसे रहेंगे और उधर ही बैठे हुए स्नैक्स और कुछ चल रहा होगा तो खाने का दिल तो किसी को नहीं करता, या जो डीप फ्राइज चीज़ें हैं या फ्राइज या इस तरह की जो भी है, तो ज़ाहिर है फिर आप एक प्रॉपर चीज़ जो है प्रॉपर जो डाइट है आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक मखसूस चीज़ इस्तेमाल करते करते आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी कमी रह जाएगी। और फिर ये भी होता है जी कि ये चीज़ों को निगलने का दिल नहीं करता, या ये जो है वो इनका खाने का दिल नहीं करता, या इनके पीछे जो है वो रोटी लेके जो है वो भागना पड़ता है। तो ये सारे जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम आपके सामने जो है वो बच्चों के लिए एक जनरलाइज्ड एक फार्मूला बताते हैं। आप इसको बना के घर में रख लें और पूरी फैमिली को दें तो आपको बहुत सी अद्वियात की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मिशन ये है कि आप कम से कम जो केमिकल कंटेनिंग जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल करें, आप कुदरत की तरफ और नेचुरल जो माहौल है उसकी तरफ आएँ। और होमोपैथी जो है सबसे सेफेस्ट जो वे है वो होमोपैथी का है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सेफ भी। तो उसमें यह है कि कलकेरिया फास्ट, कैमोमेला, अल्फाल्फा, एब्राटिनम, आर्सेनिक, आयोडाइड और कलकेरिया कार्प जो है, तो ये तमाम अद्वियात जो हैं इनको 30 में लें और इसकी एक से दो खुराकें जो हैं वो बच्चों में 5 कतरे जो हैं सुबह शाम आप दें, एक हफ्ता दें फिर छोड़ दें, फिर दें फिर छोड़ दें। तो न सिर्फ ये कि उनकी जो वाइटैलिटी है वो बेहतर रहेगी और उनकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बेहतर काम करेंगे और मेंटली तौर पर जो है वो बेहतर रहेंगे और ये कि बीमार भी कम होंगे। तो जब उनकी कुदरत मुदाफ़त ठीक होगी, बीमार कम होगी, तो आपको बहुत सारी जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते रहते हैं घरानों में उनसे भी आपकी जान छूटेगी, आपके बजट में भी बोझ नहीं बढ़ेगा और होम्योपैथी की एफिकेसी के भी आप कायल हो जाएंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।